डिशम वेरी नाइस बेस्ट एंड बेस्ट बहुत अच्छी है। मैं सेकंड टाइम फिर देखने वाली हूँ। वो इस बार बॉडी मिल जाती है, इस बार बॉडी मिल जाती है। वो पहले से ही बहुत प्लानिंग करके रखते हैं। लास्ट में वो एक बुक वगैरह लिखते हैं मूवी की स्टोरी, तो एंडिंग मूवी की बुक से बताते हैं। वो काफ़ी ऑसम नो डाउट, मतलब देखनी चाहिए। और मैं सेकंड टाइम देखने वाली हूँ। फाइव फाइव थैंक यू। अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहली वाली देखी थी, 7 साल बाद अभी देख रहे हैं, तो वो जो दृश्यम 1 ने इम्पैक्ट छोड़ा था वो इस मूवी ने भी छोड़ा है। सो रियली लाइक द मूवी, लव्ड इट एक्चुअली। अजय देवगन सर ने तो पूरा लाइक ही टुक अवे द केक, एंड सारे कैरेक्टर्स अक्षय खन्ना ने भी ही प्लेड लाइक अ अंडर डॉग। मुझे बहुत अच्छा लगा सबके कैरेक्टर्स। वही ट्विस्ट और क्लाइमैक्स, तो माय गॉड मैं क्या ही बोलूँ, क्लाइमैक्स तो बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पब्लिक को लेकर आएगी थिएटर तक, ऐसी मूवी बनी है। बहुत अच्छा अभिषेक पाठक का बहुत अच्छा डायरेक्शन। 4 out of 5। अभी दृश्यम 2 देख के आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट पार्ट की जो लीगेसी है उसको कंटिन्यू करती है। काफ़ी अच्छा, अजय देवगन और अक्षय खन्ना काफ़ी खुलकर आ रहे हैं सामने। अच्छा है, मतलब फील नहीं होता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्टर हैं। हाँ, काफ़ी बनाए रखा। 3.5। दृश्यम 2 बहुत बहुत अच्छी लगी मूवी। मतलब दृश्यम ऐसा था कि जब वो रिलीज हुई तब इतने लोगों को पता नहीं था, इतनी फेमस नहीं थी, तो हम सब ने वो OTT पे देखी थी। बट दृश्यम 2 तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हिट जाने वाली, और सब बहुत मतलब कांट वेट। बहुत बहुत अच्छा, हाँ पूरा पूरा लाइक स्टार्ट टू एंड। डायरेक्शन भी बहुत बहुत अच्छा था। सॉन्ग्स ऑनेस्टली इतने ज़्यादा कैची नहीं है, बट सॉन्ग्स डजेंट मैटर, यू नो, ये मूवी इतना अच्छा है तो सॉन्ग की कोई नीड ही नहीं है, मतलब ऐसा। फाइव। दृश्यम 2 बहुत मस्त ऑसम थी। हाँ, एक पार्ट था अगर मैं बताना चाहूँगी, बीच में ऐसा था जहाँ पे कि पूरा एक स्टोरी, मतलब स्टोरी रिवील कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे एक पूरा चेंज आता है। एक साइड लग रहा होता है कि पूरा अजय देवगन जो है वो फंस गए हैं, बट अगेन ट्विस्ट जो आता है वो पार्ट ऑसम थे। जो थ्रिल फर्स्ट में थे सेकेंड में उससे ज़्यादा था, तो जो एक्सपेक्टेशन था दृश्यम 2 से, जनरली अगर फर्स्ट मूवी हिट होती है तो दृश्यम 2 से एक्सपेक्टेशन था, वो पूरा मैच किया। आई मीन एक्सपेक्टेड था ये, और वो ऑसम था। थैंक यू। मस्त ऑसम ऑसम डायरेक्शन अच्छा था तभी मूवी हिट हुई है। 5 out of 5 थैंक यू। दृश्यम पार्ट 2 देख के आ रही हूँ, और मूवी देख के मज़ा आ गया। काफ़ी पैसा वसूल मूवी है। पार्ट 1 जिस तरीके से अच्छा बनाया था, वैसे पार्ट 2 है बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया मूवी देख के। और इसमें इमोशनल पार्ट था एक, जब भी वो पुलिस आती है उनके पास और उनके डेड बॉडी को मांगती है कि मुझे कुछ विधि करना होता है ना, हमारे धर्म में मर जाने के बाद विधि करना पड़ता है, वो नहीं हुआ था तो वो जो विजय रहते हैं उनसे मांगते हैं, तो बहुत इमोशनल पार्ट था वो। मेरे आँखों में आंसू आ गए वो देख के। क्या फैमिली पे बीतती है अगर आप अपने बच्चे को खो देते हो। एंड एंड में मुझे ये दिखा कि हमारे लिए फैमिली सब कुछ होती है, फैमिली इज एवरीथिंग, सो फैमिली के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये लास्ट में यही दिखाया, हैप्पी एंडिंग थी, बहुत मज़ा आया। पैसा वसूल मूवी है, आप लोग भी जाओ देखने। क्या बोले, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं थी, वही लास्ट में थोड़ा बहुत था, सॉन्ग भी अच्छे थे और बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बहुत ही अच्छा था। सबसे ज़्यादा सस्पेंस बहुत ज़्यादा था इसमें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा खुद को भी नहीं पता होता था। मैं अपना वॉशरूम छोड़ के मूवी देख रही थी, मुझे वॉशरूम जाना था, गई नहीं क्योंकि मेरी मूवी छूट जाएगी। और मूवी बहुत अच्छी लगी, इसके लिए बहुत मज़ा आया मूवी देख के। आप लोग भी जाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। 4 स्टार देना चाहूँगी।
मूवी को 5 स्टार देना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय द वे मैं रेटिंग देख के ही आती मूवी देखने, पार्ट 1 तो काफ़ी अच्छा लगा था तो मुझे लगा था कि पार्ट 2 भी अच्छे होंगे, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही मूवी आई। बहुत 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 मज़ा आया मूवी देख के, पैसा वसूल मूवी, आप लोग भी जाओ देखो, मज़ा आ जाएगा मूवी देख के। थैंक यू। दृश्यम दृश्यम 2 मूवी बहुत अच्छी है। दृश्यम 1 तो बोला जाए तो एक नॉर्मल सा लगेगा कि एक मूवी है जिसमें एक बच्चे का मर्डर हो गया है और उसको छुपाया जा रहा है, बट दृश्यम 2 के अंदर हमें पूरा एक क्लियर पिक्चर बता रहा है कि स्टोरी कैसा वर्क कर रहा है और एक कॉमन मैन के जो सोच है, मतलब हम देखा जाए ना एक कहाँ से कहाँ तक एक कॉमन मैन सोच सकता है, एक सिस्टम को भी कैसे घुमा सकता है कॉमन मैन, वो पूरी चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई गई। वैसा अजय सर का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अजय सर को हम बोल ही नहीं सकते कि उनका काम नहीं अच्छा है, क्योंकि पूरा रोल उन्हीं का है, वही चीज़ हमें पूरा कन्वे कर रहे। देखा जाए तो पूरा का पूरा मूवी का जो मेन पार्ट है, मेन अगर हम लीड बोले तो वो अजय सर की वजह से ही सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, तो अजय सर के बाद और बाकी के जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। He got magical eyes. Exactly, magical eyes, literally. उनके आँखों को देख के हम लोग बोल सकते हैं, we can attract while seeing her eyes. ऐसा है उनका, वो चीज़ है। लास्ट पार्ट क्लाइमेक्स मज़ेदार था, बट वो पार्ट अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वो पार्ट इन्जॉय करना है ना, exactly. तो प्लीज आके देखना, क्योंकि यू विल मिस द, बोलते ना क्या बोलते उसको, क्रंच बोल सकते हैं अभी, समथिंग वो कि उसका जो एक्साइटमेंट है वो आप मिस कर दोगे। अगर आप बोलूंगा कि आप देख के आओ, मैं बता दूंगा, आप लोग देख लोगे वीडियो तो कैसा लगेगा, हाँ उसने तो बता दिया। द थिंग इज दैट कि आप आके एंजॉय करोगे ना तो मूवी बिल्कुल अलग है। एवरी मिनट ये है कि इंटरवल के पहले हमें लगेगा कि मूवी यार बहुत सिंपल चल रहा है, कुछ ऐसा है नहीं, बट जो सेकेंड हाफ है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि अपने आँख को भी मत झपकाना, नहीं तो पूरा मूवी का पूरा आप एकदम भूल जाओगे कि मूवी में क्या चल रहा है। वैसा डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ एक एक चीज़ को वहाँ पे कैच किया गया है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। सस्पेंस आखिरी तक बनाए रखते हैं एकदम लास्ट तक। आई सेड ना कि सस्पेंस मतलब ऐसा है कि आप एक चीज़ को भी मिस कर दोगे ना तो यू विल फील कि यार मूवी का ये पार्ट क्यों मिस हो गया, ठीक है, ये चीज़ कहीं तो लिंक था शायद, तो हमने एक चीज मिस किया ना तो आगे के स्टोरी में कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, यार ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज। सॉन्ग्स कैसे थे मूवी के? बहुत अच्छे सॉन्ग्स है, फैमिली वाइज सॉन्ग है अगर देखा जाए तो। बेसिकली कैसा होता है, सॉन्ग ऐसा ज्यादा नहीं है, दो ही है, दो ही सॉन्ग है, बट दोनों सॉन्ग कैसा है कि हम एक सॉन्ग चाहते हैं ना कोई फैमिली से रिलेटेड सॉन्ग हो, कहीं अगर कोई ट्रिप पे गया तो कोई सॉन्ग चाहिए, तो ये मूवी में वो वैसा ही सॉन्ग दिया हुआ है। मूवी कुछ मैसेज दे रही है? हां, आई सेड मैं एवरी टाइम आई एम सेइंग दैट कि नेवर अंडरएस्टिमेट अ कॉमन मैन। द थिंग इज दैट किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो चाहे सिस्टम के अंदर रह के कोई काम करे या एज अ कॉमन मैन काम करे, लिटरली कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसा अजय सर को 5, मूवी को 5, किसको 5 चाहिए बोलो, सबको 5 देंगे। अच्छी थी मूवी, वो चीज है। थैंक यू। दृश्यम 2 सुपर डुपर हिट है सर। नहीं, अलग कुछ नहीं है और ना ही मैं कंपेयर करूंगी कि 1 अच्छी थी और 2 कुछ खास नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 1 जस्ट देखी और उसी की कहानी आगे चल रही है। एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक सब कुछ पैरेलल है, सेम है, और स्टोरी बहुत अच्छी है। जो एक्चुअली वो पारिवारिक का जो सीन बताया गया है अपने परिवार को बचाने के लिए, जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत बढ़िया है। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है और जो सबसे अच्छा है वो है स्टोरी। 4.5। अभी जस्ट मैं देख कर आ रहा हूँ दृश्यम 2। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कह सकते हैं ना कि पार्ट 1 देखने के बाद लगता है कि पार्ट 2 थोड़ा था मज़ा नहीं आएगा, बट पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 से भी थोड़ा सा लेवल अप था। डिटेलिंग में, बड़ा डिटेलिंग में काम किया गया है, डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है और राइटर ने अच्छा काम किया है, और इसके अलावा मैं किसी के बारे में कहूँगा तो वो है कास्टिंग डायरेक्टर भाई, उसको भी बहुत हैट्स ऑफ है। एक ऐसा कास्टिंग किया उसने, एक ऐसा एकदम फाइनेस्ट एक्टर उसमें डाल दिया दृश्यम 2 के अंदर में, जिसके वजह से हम लोग ज़्यादा कनेक्ट हो गए। कहते हैं ना अजय और तब्बू के बीच की दुश्मनी के बीच में अक्षय खन्ना सर खड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया पूरी स्टोरी को, एंड आई एम सो हैप्पी कि
फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा कहीं पे भी लगा नहीं कि मैं लूज हूँ, पर भाई मैं आप लोगों का अगर परिवार के लिए, परिवार को प्यार करते हो, इस फिल्म को देखो, कुछ सीखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, फिल्म को सपोर्ट करो और आई डोंट डे छोड़ेगा नहीं भाई तुम लोगों, सीधी बात है। बस ये कि क्लाइमेक्स जब जहाँ पे होता है तो ये बात क्लियर होती है कि हीरो कभी भी जेल नहीं जा सकता और परिवार को कभी भी छोड़ नहीं सकता। तो एक फैमिली के लिए फिल्म है ये, सभी लोग देख सकते हैं इस फिल्म को कहीं पे। सबसे जो बड़ी बात है, जो आपने हिट बात सवाल पूछ लिया कि कहीं पे वल्गैरिटी नहीं है, एकदम साफ सुथरी अच्छी फिल्म, दृश्यम जैसी फिल्म कोई नहीं हो सकती। मैं तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी फर्स्ट पार्ट, उस टाइम का भी पूरे साल का नंबर वन पे मेरी ये फिल्म थी और इस साल का भी मेरे ख्याल से नंबर वन पे ये फिल्म रहेगी, क्योंकि ऐसी फिल्म देखने को नहीं मिलती इंडस्ट्री में। पता नहीं वो ज़बरदस्ती का एक्शन, ज़बरदस्ती का एडल्ट्स बोल्डनेस, ड्रामा वगैरह डाल के मज़ा नहीं आता। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें पूरी परिवार को बैठा कर आप देख सकते हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, दैट इज़ द मूवी। ये कि परिवार का साथ कभी मत छोड़े और हमेशा परिवार के लिए कुछ भी करे, दैट इज़ द मेन पॉइंट। मैं ध्यान नहीं दे पाया सॉन्ग्स पे क्योंकि फिल्म की कहानी में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। ऐसी कहानी के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ऐसी कुछ कहानी आए मार्केट में, हम लोग देखे जिससे कनेक्ट हो जाए। लास्ट एक फिल्म आई थी चुप, उस टाइम हम लोग चुप नहीं थे, हमने फिल्म देखी आकर और वो भी कहानी कुछ ऐसी थी। 5, एक भी लूज पॉइंट नहीं है भाई, 5 में से पूरे 5 स्टार। थैंक यू।